हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि शॉर्टिंग क्या होता है और आप बबल शॉर्ट को पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, शॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग और अरेंजिंग अ गिवन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर. शॉर्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप किसी भी कलेक्शन को, मान लो आपके पास लिस्ट है, एरे है, कोई भी आपके पास सिक्वेंस है, राइट, और वो अनऑर्डर सिक्वेंस है, राइट, आप उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, राइट. तो शॉर्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, राइट. वी कैन शॉर्ट अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. आप नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर्स में, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, राइट. इफ द कलेक्शन इज ऑफ स्ट्रिंग, अगर आपके पास जो कलेक्शन है, लिस्ट है, एरे है, वो स्ट्रिंग का है, राइट, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग एलिमेंट्स, वी कैन शॉर्ट इट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. उनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, फ्रॉम ए टू जी और फ्रॉम जी टू ए और अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या फिर आप स्ट्रिंग के लेंथ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर सकते हैं. जैसे आपका एक एलिमेंट हो गया टू लेटर्स का, एक एलिमेंट हो गया थ्री लेटर्स का, तो आप इस तरीके से भी स्ट्रिंग की जो लिस्ट है या सीक्वेंस है उसको अरेंज कर सकते हैं, राइट. तो शॉर्टिंग बेसिकली क्या है? अरेंजिंग द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, नाउ फर्स्ट शॉर्टिंग एल्गोरिदम वी हैव इज बबल शॉर्ट. ओके, बबल शॉर्ट एक शॉर्टिंग एल्गोरिदम है. बबल शॉर्ट इज अ शॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट शॉर्ट्स अ गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बाय रिपीटेडली कंपेयरिंग द एडजेसेंट एलिमेंट्स. तो बबल शॉर्ट क्या करती है? लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, आप कोई भी सीक्वेंस दोगे, एरे दोगे, लिस्ट दोगे जिसके अंदर अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स हैं, उसको ये शॉर्ट करती है. और इसका वे क्या है शॉर्ट करने का? जो एडजेसेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको ये कंपेयर करती है, राइट, एंड देन स्वैपिंग दैम इफ दे आर अनऑर्डर, और उनको एक्सचेंज कर देती है अगर वो अनऑर्डर्ड है. मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ. मैंने एक छोटी सी यहाँ पे लिस्ट बनाई. मान लो मेरी लिस्ट है यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट है 1 और सेकंड एलिमेंट है 5 और थर्ड एलिमेंट है मेरा 2. ओके, एक और एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे 4. ओके, तो जो बबल शॉर्ट है वो कैसे वर्क करेगी? ये फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करेगी, एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेगी, फाइन. अब यहाँ पे देखो, ये जो है इन दोनों, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो करेक्ट ऑर्डर में हैं. 1 इज स्मॉलर देन 5. लेट अस सपोज हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट चाहिए फ्रॉम स्मॉल टू द लार्ज, राइट. तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट है, इनकी स्वैपिंग नहीं होगी, राइट. लेकिन जब सेकेंड कंपेरिजन होगा, 5 एंड 2 का कंपेरिजन होगा, तो यहाँ पे क्या है, 2 इज स्मॉलर देन 5, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 चला जाएगा 5 के प्लेस पर और 5 चला जाएगा 2 के प्लेस पर, राइट. तो यहाँ पे देखो कैसे बन जाएगा, ये स्वैपिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, 1 देन 2, ओके, देन आपका आ जाएगा 5 एंड देन आपका आ जाएगा 4. ओके, अब अगेन आपका यहाँ पे ये दोनों तो शॉर्ट हो चुके हैं. अब 5 एंड 4 का कंपेरिजन होगा, ठीक है, और 5 एंड 4 का कंपेरिजन होने के बाद क्या होगा, अगेन 4 इज स्मॉलर देन 5. ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी, एक्सचेंज ऑफ पोजीशंस हो जाएगी. तो 4 चला जाएगा 5 के प्लेस पे और 5 चला जाएगा 4 के प्लेस पे. तो आपकी लिस्ट कैसे आ जाएगी, 1 देन 2 देन आपका आ जाएगा 4 एंड देन आपका 5 आ जाएगा, राइट. ओके, तो यहाँ पे देखो, स्वैपिंग टू एलिमेंट्स मींस चेंजिंग देयर पोजीशंस विद ईच अदर, राइट. तो स्वैपिंग हो जाती है दो एलिमेंट्स की, जिस भी ऑर्डर में आप अरेंज करना चाहते हो उसी ऑर्डर में आप क्या करोगे, स्वैपिंग करोगे. ओके, इन एल्गोरिदम एवरी इटरेशन थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इज कॉल्ड अ पास. अब देखो क्या होता है, आपको ये एक्सचेंज करने के लिए इटरेट करना पड़ेंगे ऑल द लिस्ट एलिमेंट. इटरेट मीन्स आपको लिस्ट एलिमेंट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, जितने भी लिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके पास आपको जाना पड़ेगा, राइट. तो अगर आप मान लो यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन हुआ, ओके, देन सेकंड इटरेशन, थर्ड, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इटरेशन होता है. ओके, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके पास है, मेरे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, मान लो 4 एलिमेंट्स हैं, तो इन 4 एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, आपको नंबर ऑफ इटरेशंस कितने चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ इटरेशंस मुझे चाहिए 4 - 1 दैट इज 3, राइट. 4 - 1 दैट इज 3, 3 इटरेशन मुझे चाहिए.
ओके इस पर्टिकुलर लिस्ट को अरेंज करने के लिए. ओके देखो फिर से देखो, इन एल्गोरिदम एवरी इटरेशन थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इज कॉल्ड अ पास. और इटरेशन को क्या कहा जाता है, पास कहा जाता है. फॉर अ लिस्ट विद एन एलिमेंट्स द बबल शॉर्ट मेक्स अ टोटल ऑफ एन माइनस वन पासिस टू शॉर्ट द लिस्ट. राइट, एक लिस्ट को शॉर्ट करने के लिए आपको कितने इटरेशन चाहिए वो कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस वन. ओके जैसे मेरे यहाँ पे मेरे पास इस लिस्ट में फोर एलिमेंट्स थे, तो फोर माइनस वन, तो आई रिक्वायर्ड थ्री इटरेशन. ओके आई रिक्वायर्ड थ्री इटरेशन टू शॉर्ट द लिस्ट. ओके इन ईच पास, और यहाँ पे इटरेशन को पास कहा जा रहा है, इन ईच पास द रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट विल बी कंपेयर्ड. और जितने भी इटरेशन होंगे, जितने भी पासेस होंगे, उसमें क्या होता है, कंपेयर किया जाता है लिस्ट एलिमेंट्स को. ओके ओके नाउ अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. गिवन फिगर डिमॉन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ द बबल शॉर्ट मैथड टू अरेंज अ लिस्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास एक लिस्ट है, आप क्या करोगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. ठीक है, लेट अस कंसिडर अ लिस्ट हैविंग सिक्स एलिमेंट्स. आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर सिक्स एलिमेंट्स हैं, एट सेवन थर्टीन वन माइनस नाइन एंड फोर. तो यहाँ पे देखो एट किस पर है, आपका जीरो इंडेक्स पे है, देन वन देन टू, ये आपकी इंडेक्स वैल्यूज है. नंबर ऑफ इटरेशंस कितने चाहिए आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं सिक्स, तो नंबर ऑफ आपको पास कितने चाहिए, सिक्स माइनस वन दैट इज़ फाइव. मीन्स फाइव पास में, फाइव इटरेशंस में आपका कंप्लीट शॉर्टेड लिस्ट आपको मिल जाएगी. फाइन, अब देखो जो फर्स्ट इटरेशन है, फर्स्ट पास है, उसमें क्या होगा, जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं राइट, वो इटरेट होंगे और उनके बीच में स्वैपिंग होंगी. इटरेट मीन्स उनको ट्रेवर्स किया जाएगा वन बाय वन, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास जाया जाएगा. ओके एंड जाने के बाद देखा जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा एंड स्वैपिंग की जाएगी. अब देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट इटरेशन चल रहा है. ओके तो फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर किया गया. ओके हमें क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो स्वैपिंग होगी. यहाँ पे स्वैपिंग हो गई, फर्स्ट जो आपका पास था, जो फर्स्ट इटरेशन, दिस इज योर कंप्लीट फर्स्ट इटरेशन. ओके अब इन दोनों में स्वैपिंग हो गई, इन दोनों में स्वैपिंग होगी. आपका सेवन आ गया आगे, और मतलब सेवन चला गया एट के प्लेस पे, और एट चला गया सेवन के प्लेस पे. राइट अब आपका कंपेरिजन होगा एट एंड थर्टीन के बीच में. यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, स्वैपिंग नहीं होगी. फाइन अब उसके बाद कंपैरिजन होगा आपका 13 एंड 1 के बीच में. 13 एंड 1 में क्या है, स्वैपिंग हो जाएगी, क्योंकि 13 क्या है, बिगर है देन 1, तो 1 चला जाएगा 13 के प्लेस पे और 13 चला जाएगा 1 के प्लेस पे. राइट ओके अब आपका आ गया 13 एंड 9 का को आपस में कंपेयर किया जाएगा. यहाँ पे देखो अगेन स्वैपिंग होगी, 9 चला जाएगा, माइनस 9 चला जाएगा 13 के प्लेस पर, और 13 चला जाएगा माइनस 9 के प्लेस पर. राइट अब यहाँ पे ये आपको क्या है, यहाँ पे देखो इन द एंड जो ये दो एलिमेंट है, अब इनको कंपेयर किया जाएगा 13 एंड 4. राइट अगेन यहाँ पे क्या होगा, स्वैपिंग होगी, 4 चला जाएगा 13 के प्लेस पर और 13 चला जाएगा 4 के प्लेस पर. राइट अब आपको फर्स्ट पास में, फर्स्ट इटरेशन में आपको लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया है. 13 क्या है, आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है. ओके अब होगा, एक बार आपने कम्प्लीटली इटरेट कर लिया है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इटरेट करने के बाद आपको क्या मिला है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो आपको एट द एंड ऑफ द लिस्ट मिल गया है. फाइन अब सेकेंड इटरेशन होगा या सेकेंड पास होगा. राइट अगेन सेम प्रोसेस चलेगा. ठीक है यहाँ पे फिर 7 एंड 8 को कंपेयर करेंगे, नो चेंज. फिर 8 एंड 1 को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे स्वैपिंग होगी, 1 चला जाएगा 8 के प्लेस पे और 8 चला जाएगा 1 के प्लेस पे. राइट ओके अब नाउ 8 यहाँ पे आ गया, अब 8 एंड 9 की स्वैपिंग होगी, मतलब कंपेरिजन होगा, फिर स्वैपिंग होगी, माइनस 1 चला जाएगा 8 के प्लेस पे, 8 चला जाएगा माइनस 1 के प्लेस पे, लाइक दिस. राइट देन आपका आएगा 8 एंड 4 का स्वैपिंग, 8 एंड 4 को कंपेयर करेंगे, उनकी स्वैपिंग हो जाएगी. राइट स्वैप हो जाएंगे, 4 चला जाएगा 8 के प्लेस पे, 8 चला जाएगा 4 के प्लेस पे. फाइन ओके इतना हो गया आपको. देखो 13 मिल चुका था लार्जेस्ट एलिमेंट, यहाँ पे अब स्वैपिंग 8 तक ही होगी. यहाँ पे मतलब आपका जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट है ओके वहाँ तक ही स्वैपिंग होगी, क्योंकि आपको लास्ट जो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है वो आपको मिल चुका है. यहाँ पे आपको सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक ही स्वैपिंग आप करोगे. ओके
सेकेंड पास के अंदर। तो यहाँ पे आपको, आप देखो दो लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गए, दिस इज योर लार्जेस्ट एलिमेंट एंड दिस इज योर सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं इन द फिगर एलिमेंट्स बीइंग कंपेयर्ड आर हाईलाइटेड विद द ब्लू कलर। ओके, तो यहाँ पे जिन एलिमेंट्स का कंपेरिजन है उनको ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये मैंने आपको बता दिया। शॉर्टेड एलिमेंट्स आर हाईलाइटेड विद द ग्रीन कलर। तो हमारे पास दो शॉर्टेड एलिमेंट्स आ चुके हैं 8 and 13, जिनको हमने ग्रीन कलर से शो कर दिया है। ठीक है, टू बिगिन शॉर्टिंग द एलिमेंट्स एट इंडेक्स 0 इज कंपेयर्ड विद द एलिमेंट्स एट इंडेक्स 1। ठीक है, एलिमेंट्स जो इंडेक्स 0 पे है उसको हम एलिमेंट एट इंडेक्स 1 के साथ कंपेयर करेंगे। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज बिगर इट इज स्वैप्ड विद द सेकेंड एलिमेंट। राइट, अगर आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है बिगर, अगर बिगर है, क्योंकि यहाँ असेंडिंग ऑर्डर करें ना, तो आप वो किससे स्वैप हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट से स्वैप हो जाएगा। मतलब सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट एलिमेंट के प्लेस पे चला जाएगा और फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के प्लेस पे चला जाएगा। राइट, ओके, एस नो चेंज इन, एस नो चेंज इज डन। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, द एलिमेंट एट इंडेक्स 1 इज कंपेयर्ड विद द एलिमेंट एट इंडेक्स 2, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर इंडेक्स 1 को इंडेक्स 2 के साथ कंपेयर किया जाएगा, फिर इंडेक्स 2 को इंडेक्स 3 के साथ कंपेयर किया जाएगा, फिर इंडेक्स 3 को इंडेक्स 4 के साथ कंपेयर किया जाएगा, फिर इंडेक्स 4 को इंडेक्स 5 के साथ कंपेयर किया जाएगा। दिस कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द लिस्ट इज रीच। राइट, ये कब तक चलेगा, जब तक कि आप सारे के सारे एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं कर लोगे। आफ्टर द फर्स्ट पास द लार्जेस्ट एलिमेंट विल रीच द एंड ऑफ द लिस्ट। राइट, जो फर्स्ट पास होगा उसके एंड में हमें लिस्ट का लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। फाइन, अब यहाँ पे आपके दो पास हो गए हैं और टोटल पास कितने होने नंबर, ये आपके पास आ चुका है 5। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 6 थे तो टोटल हमारे पास इटरेशन या पास कितने हैं, 5 है। राइट, अब ये है आपके पास पास 3, जिसके अंदर आपका अगेन कंपैरिजन हो रहा है आपका 0 इंडेक्स एलिमेंट का एंड 1 इंडेक्स एलिमेंट का, दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग होने के बाद 1 आपका 0 इंडेक्स पे आ गया है और 7 आपका 1 इंडेक्स पे आ गया है। राइट, अब 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स को कंपेयर किया जाएगा। ओके, अगेन इनकी स्वैपिंग होगी। फाइन, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका -9 आ गया है, जो आपका 2 इंडेक्स पे था यहाँ पे। ओके, जो आपका 2 इंडेक्स पे था यहाँ पर, वो 1 पे आ जाएगा और 1 वाला 2 पे चला जाएगा। अगेन आपका 2 एंड 3 की स्वैपिंग होगी। फाइन, तो यहाँ पे स्वैप होने के बाद आपके पास क्या आया है, ये जो 3 इंडेक्स वाला था आपके पास, वो आपका 2 इंडेक्स पे चला जाएगा एंड ये आपका 3 इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, 0 and 1। ओके, एंड आपके थर्ड इटरेशन कंप्लीट होने के पास आपको 3 शॉर्टेड एलिमेंट्स मिल चुके हैं। राइट, ओके, देन आपका फोर्थ पास आएगा, फोर्थ इटरेशन होगा, उसमें अगेन कंपैरिजन होगा। ओके, फर्स्ट टू एलिमेंट्स का 0 इंडेक्स एंड 1 इंडेक्स के एलिमेंट्स का हुआ, तो देखो यहाँ पे स्वैपिंग हुई है, 9 चला गया 0 इंडेक्स पे एंड 1 चला गया 1 इंडेक्स पे। राइट, अगेन यहाँ पे 1 एंड 4 का कंपैरिजन हुआ। ओके, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। फाइन, ओके, अब इन द लास्ट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 4 यहाँ आने के बाद, यहाँ पे देखो -9, 1, 4, 7, 8, 13, तो ये आपका कंप्लीट, आप यहाँ पे ये जो है आपके पास अब शॉर्टेड एलिमेंट्स कितने आ गए, 4 शॉर्टेड एलिमेंट्स आ गए हैं, 4, 7, 8 and 13। फाइन, अब आपका होगा नेक्स्ट इटरेशन, नेक्स्ट इटरेशन में इन दोनों का कंपैरिजन होगा 9 and 1 का। ओके, 9 and 1 का कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पे देखो स्वैप दिया हुआ है पर स्वैप होना नहीं है क्योंकि -9 तो स्मॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, कंपैरिजन तो होगा, फाइन, बट यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। फाइन, और 4, 7, 8, 13 ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है, तो आपके पास शॉर्टेड लिस्ट ये आ गई है। फाइन, ओके, यहाँ पे इन्होंने ये रॉन्ग दे दिया, 9 and 1 का कंपैरिजन करना है बट स्वैपिंग नहीं होगी। ओके, बिकॉज -9 इज स्मॉलर देन 1। फाइन, तो यहाँ पे क्या है, बबल शॉर्ट में क्या है, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है और अकॉर्डिंग टू द, जिस भी ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको स्वैपिंग करनी होती है, मतलब एलिमेंट्स को एक्सचेंज करना होता है। अब यहाँ पे हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बबल शॉर्ट। राइट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बबल शॉर्ट इन पाइथन लिख सकते हो, वैसे लिखना चाहो तो इन पाइथन। राइट, ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बबल शॉर्ट इन पाइथन। फाइन, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक लिस्ट ले लेती हूँ, लिस्ट ली मैंने। फाइन,
8 जो अभी हमने लिस्ट का एग्जांपल देखा था उसके ही एलिमेंट्स यहाँ पे हम ले लेते हैं, 13 1 माइनस 9 एंड 4, दिस इज माय लिस्ट। ओके, इसको प्रिंट भी करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर अनशॉर्टेड लिस्ट इज लिस्ट। फाइन, अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लिस्ट की लेंथ, लेंथ ऑफ लिस्ट वो आपका वेरिएबल n के अंदर आ गई, राइट। आपने लिस्ट की लेंथ ले ली है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में आ गया, n के अंदर आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने, 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 एलिमेंट्स हैं। फाइन, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपना फर्स्ट आइट्रेशन चलाती हूँ। फर्स्ट आइट्रेशन चलाने के लिए मैंने यहाँ पे फोर लूप लिया, फोर i इन रेंज। अब रेंज ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, मैंने यहाँ पे लिया n माइनस वन, एन क्या मेरा लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ ऑफ लिस्ट माइनस वन, राइट, लेंथ ऑफ लिस्ट माइनस वन। तो यहाँ पे मैं इसको समझाती हूँ, लेंथ ऑफ लिस्ट आपकी क्या है, आपकी लेंथ ऑफ लिस्ट है 6 माइनस वन दैट इज 5। ओके, तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये आपका चलेगा जीरो एलिमेंट्स से, जीरो इंडेक्स से लेकर चलेगा ये फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू तक, राइट। जीरो इंडेक्स से ये कहाँ चलेगा, एक बार मैं लिख देती हूँ, जीरो इंडेक्स से ये ट्रेविस करता हुआ कहाँ चलेगा, फिफ्थ इंडेक्स तक ये जाएगा। फाइन, ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट एट्रेशन जो आपका है उसमें आप क्या करोगे, कंपेरिजन करोगे। ओके, कंपेरिजन, अब आपको यहाँ पे कंपेरिजन क्या करना है, कंपेरिजन में मैंने कंडीशन लगाई, इफ़ लिस्ट का जो आई आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो लिस्ट के, यहाँ पे हम क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन बबल शॉर्ट इन पाइथन, अरेंज इन एंड अरेंज लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, ये भी लिख देते हैं, अरेंज लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग, अरेंज लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इफ लिस्ट आई, जो आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो लिस्ट के आई प्लस वन इंडेक्स की वैल्यू से अगर बिग है, राइट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट का जो आई एलिमेंट है एंड लिस्ट का जो आई प्लस वन एलिमेंट है, ओके, उसको एक्सचेंज करना है, स्वैप करना है। तो आप कैसे करोगे, लिस्ट की जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू है उसमें क्या चला जाएगा, आपका आई प्लस वन वाला एलिमेंट चला जाएगा और लिस्ट की जो आई प्लस वन जो वैल्यू है उस पर क्या चला जाएगा, लिस्ट का आई एलिमेंट चला जाएगा, राइट। अब देखो जब आपका ये इटरेट करेगा फोर आई, तो आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, पहले जीरो इंडेक्स पे जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो कैसे कंपेयर किया जाएगा, जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स पे आपका एट है, ओके, उसको कंपेयर किया जाएगा सेवन के साथ, ठीक है। जीरो इंडेक्स को कंपेयर किया जा रहा है आई प्लस वन, आई प्लस वन, ओके, जीरो प्लस वन दैट इज़ वन, ओके। एट को कंपेयर किया जा रहा है सेवन के साथ, और अगर आपका एट सेवन से बड़ा है तो क्या होगा, सेवन एट के प्लेस पे चला जाएगा, ठीक है। एंड एट कहाँ चला जाएगा, सेवन के प्लेस पे, ठीक है। लिस्ट आई में आपने क्या इनिशलाइज़ किया है, आई प्लस वन, जीरो इंडेक्स, यहाँ पे अभी आई की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। जीरो इंडेक्स पे क्या चला जाए, आपका आई प्लस वन दैट इज़ जीरो प्लस वन दैट इज़ सेवन, सेवन की वैल्यू कहाँ चली जाए, एट के पास, और एट की वैल्यू कहाँ चली जाए, सेवन के पास, राइट, ओके। अब आपने यहाँ पे इतना किया, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली इसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट शॉर्टेड लिस्ट इज लिस्ट। समझ आया, आपने एक लिस्ट ली है, ओके, और उसको आपने प्रिंट करा दिया, ये आपकी अनशॉर्टेड लिस्ट है। फाइन, अब आपने एक एक लूप चलाया, लूप में क्या होगा, ये आई जो आपका वेरिएबल है ये इटरेट करेगा फ्रॉम जीरो इंडेक्स टू द फाइव इंडेक्स,
वैल्यूज को ये वन बाय वन ट्रेवर्स करेगा। और इसके अंदर आपने क्या कंडीशन लगाई है, अगर लिस्ट आई, अगर मान लो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जीरो इंडेक्स की वैल्यू अगर आई प्लस वन दैट इज सेवन, ठीक है, सेवन से बिग है तो इनकी हमने स्वैपिंग करा दी, लिस्ट आई में चला जाए लिस्ट आई प्लस वन, ओके दैट इज सेवन, और लिस्ट आई प्लस वन में चला जाए लिस्ट आई दैट इज एट, ठीक है, दोनों को एक्सचेंज करा दिया, यहाँ पे सेवन चला जाएगा एट के प्लेस में, एट चला जाएगा सेवन के प्लेस में, ओके, एंड देन आपके पास आपने सिंपली इसको प्रिंट करा दिया। इसको कंट्रोल एस करते हैं, सेव कर लेते हैं, इसको मैंने नेम दे दिया, नेम इसको दे दिया बबल शॉर्ट, सेव, ओके सेव बबल शॉर्ट। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं F5। अब देखो ये अभी मेरा फर्स्ट इटरेशन था, फर्स्ट इटरेशन के अंदर ये मेरी अनशॉर्टेड लिस्ट थी, फर्स्ट इटरेशन के अंदर देखो मेरे पास लास्ट का जो शॉर्टेड एलिमेंट है मींस 13 मेरा क्या लार्जेस्ट एलिमेंट है वो मुझे मिल गया है, राइट, लेकिन इस पर्टिकुलर लिस्ट को शॉर्ट करने के लिए मुझे कितने इटरेशन चाहिए, मुझे 5 इटरेशन चाहिए, ठीक है, 5 पासेस चाहिए, अभी मैंने सिर्फ एक ही पास यूज़ किया है, फाइन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास ये पर्टिकुलर कोड है, फाइन, इसको मैं कट कर देती हूँ अभी कंट्रोल एक्स, और मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया कंट्रोल बी, फाइन। इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं एक आउटर लूप के अंदर डालूँगी, ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्या है, मैंने वन इटरेशन किया यहाँ पर, अब मुझे क्या चाहिए, इतने उतने नंबर ऑफ इटरेशन चाहिए जिसके अंदर मेरा कंप्लीट जो लिस्ट है वो शॉर्ट हो जाए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आउटर लूप लगाएंगे फोर जे इन, फोर जे इन रेंज एन माइनस वन, राइट, फोर जे इन रेंज एन माइनस वन, फाइन। नंबर ऑफ पासिस आपको कितने चाहिए होते हैं, n माइनस वन चाहिए होते हैं, ओके। अब इसके अंदर आप इस लूप को यूज़ करोगे, फाइन। तो मैंने यहाँ पर पहले इतना इसको कट किया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया कंट्रोल वी, देन आपने इसको कट किया, लाइन बाय लाइन कट करेंगे, ठीक है, जिससे इंडेंटेशन प्रॉब्लम ना हो। फिर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, देन मैंने इसको कंट्रोल एक्स एंड देन मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। एंड ये आपकी क्या थी, आपका कमेंट था, इसको भी कंट्रोल एक्स यहाँ से हटाई देते हैं, ठीक है। अब देखो ये है आपका आउटर लूप, यहाँ आपने आउटर लूप में रेंज ली है एन माइनस वन, एन माइनस वन क्या है, नंबर ऑफ़ इटरेशंस है, राइट। आउटर लूप आपका किसके लिए, नंबर ऑफ़ इटरेशंस के लिए, नंबर ऑफ़ पासिस के लिए है। तो एन माइनस वन आपका क्या है, यहाँ पर मैंने आपको जब एग्जांपल समझाया था तो बताया था नंबर ऑफ़ इटरेशंस किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स माइनस वन होता है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सिक्स हैं, तो सिक्स माइनस वन दैट इज़ फाइव, राइट। तो ये जो आपका लूप है वो फाइव टाइम्स चलेगा, राइट। इसको एक बार रन करेंगे कंट्रोल एस एंड देन F5, फाइन। अब देखो आपका ये कंप्लीट शॉर्टेड आपको लिस्ट मिल गई है, यहाँ पर देखो माइनस नाइन वन फोर सेवन, ओके, ये आपके पास एट थर्टीन, ये आपके पास कंप्लीट लिस्ट आ गई है, फाइन, ओके। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया था, अगर मैं चाहती हूँ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में तो मैं यहाँ पे सिंपली साइन चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दिया, ओके, इसको सेव कर लेते हैं एंड रन करेंगे F5। तो यहाँ पे आपका देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी लिस्ट शॉर्ट होके आ गई है, ओके। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे इटरेशंस हैं, नंबर ऑफ़ इटरेशंस हैं, वो भी प्रिंट हो, फाइन। तो मैं वो प्रिंट करा देती हूँ, नंबर ऑफ़ इटरेशंस भी प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी प्रिंट लिस्ट, फाइन, और यहाँ पर आपने वन लाइन का गैप दे दिया, इसको सेव कर लेंगे F5। नो, लुक एट दिस, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ इटरेशंस आपके पास कितने, फाइव, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ओके, एंड उसके बाद आपको कंप्लीट शॉर्टेड लिस्ट मिल चुकी है, राइट। ये आपने यहाँ पे अभी
डिसेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ था, तो साइन दिया हुआ था, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई है। आपकी कंप्लीट नंबर ऑफ इटरेशंस भी आ गए हैं। एंड यहाँ पे देखो फर्स्ट इटरेशन में क्या हुआ है, देखो फर्स्ट इटरेशन में आपकी जो भी स्वैपिंग हुई है वो आ गई है। देन सेकंड इटरेशन की स्वैपिंग अलोंग विद द स्वैपिंग इटरेशन आ गई है, तो ये आपके 5 इटरेशंस आ गए हैं और यू कैन से 5 पासेस आ गए हैं आपके पास। फाइन, इसको मैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में करती हूँ, सेव करके देन यू कैन सी द रिजल्ट। देखो ये आपके पास आ गया है कंप्लीट लिस्ट एंड अलोंग विद द इटरेशंस। फाइन, अब मान लो मुझे क्या करना है, यूज़र से इनपुट कराना है। सिंपल, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिस्ट ना लेके यूज़र से इनपुट करा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे कर दिया लिस्ट, एक वेरिएबल ले लिया और इवेल फंक्शन ले लिया। इवेल फंक्शन क्यों लिया, जैसा आप इनपुट दोगे, जिस भी फॉर्म में इनपुट दोगे वो उस फॉर्म में उसको इवेल्यूएट कर देगा। लिस्ट की फॉर्म में दोगे तो लिस्ट की फॉर्म में इवेल्यूएट कर देगा, प्रोसेस कर देगा। ठीक है, आप उसको टपल की फॉर्म में दोगे, टपल की फॉर्म में कर देगा। आप जिस भी फॉर्म में दे रहे हो उस फॉर्म में उसको प्रोसेस कर देगा। ठीक है, एंटर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, एंटर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। फाइन, ओके, और हमारा रेस्ट प्रोग्राम सेम रहेगा। इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस एंड देन F5 रन कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे एंटर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी दे दिया, मैंने यहाँ पे लिखा 2 देन 1 देन 5 देन 8 देन यहाँ पे 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 5 है, तो मेरे कितने इटरेशंस होंगे, 4 इटरेशंस मेरे पास आएंगे। ठीक है, अब देखो 4 इटरेशंस आपके पास आए हैं, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन। इस जो ये फर्स्ट इटरेशन है उसमें स्वैपिंग हुई है, देन सेकंड इटरेशन में आपकी स्वैपिंग हुई है। देखो फर्स्ट इटरेशन में आपका 1 और 2 का स्वैप हुआ है, राइट। एंड देन आपका यहाँ पे देखो 5 3, यहाँ पे 3 और 8 का भी स्वैप हुआ है, लाइक दिस। आपके पास यहाँ पे 4 इटरेशंस आए हैं एंड देन इन द एंड आपके पास शॉर्टेड लिस्ट आ गई है, 1 2 3 5 एंड 8। ओके, दिस इज योर शॉर्टेड लिस्ट। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।